पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद कार्यालय पर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश मुरादाबाद क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक समिति की मासिक आवश्यक बैठक का आयोजन परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय बस स्टेशन मुरादाबाद में किया गया, जिसमें क्षेत्र में कार्यरत परिषद की 14 प्राथमिक शाखाओं के पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में सभी वक्ताओं द्वारा प्रमुख समस्याओं के रूप में अवगत कराया गया कि बसों की मरम्मत हेतु आवश्यक कल पुर्जे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अधिकतर ETM खराब हैं, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर पर डिपो स्तर पर कहीं भी कर्मचारी समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा है, कर्मियों की अनावश्यक कटौतियां किए जाना, परिषद पदाधिकारियों के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से अनुशासित कार्यवाहियां प्रारंभ किए जाना आदि तीव्र गति पर है। इससे कर्मचारियों में वर्तमान में आक्रोश की भावना व्याप्त है। कि आपने इस सत्र की प्रथम बैठक में यहां आकर सदन की गरिमा को बढ़ाया और वहीं पर उन साथियों प्रमुख रूप से रामपुर डिपो के संचालित आंदोलन कार्यक्रम के प्रति सभी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि वहां के आंदोलन के समर्थन में क्षेत्र की प्रत्येक शाखा के सहभागी बनना चाहिए और इसके लिए जिस स्तर का क्षेत्र स्तर पर निर्णय लिया गया वह शत प्रतिशत कामयाब बनाया जाए। सभी वक्ता साथियों के वक्तव्य को दृष्टिकोण रखते हुए निर्णय लिया गया कि समय रहते रामपुर डिपो के मांग पत्र पर तत्काल निर्णय नहीं होता तब दिनांक 18 को पूरे क्षेत्र स्तर की विशाल रैली परिषद कार्यालय से क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय तक निकाली जाएगी तथा 19 एवं 20 को क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद के कार्यालय में 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम संचालित होगा एवं 20 तारीख को धरने के समापन के समय किसी बड़े आंदोलन कार्यक्रम की बैठक में प्रमुख रूप से श्री चंद्र भान सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष रामेश्वर दयाल भारती, क्षेत्रीय मंत्री सत्यवीर सिंह, DK सक्सेना, प्रांतीय प्रतिनिधि मुरादाबाद क्षेत्र द्वारा अपने अपने कथन में कहा गया कि जो कार्यक्रम उद्घोषित हुए हैं वह सफल बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होगी, इसमें सभी साथी तत्परता से जुट जाएं। ये हमारी इस सत्र की प्रथम बैठक है मुरादाबाद क्षेत्र की और ये बैठक अति महत्वपूर्ण और हो जाती है क्योंकि रामपुर सहायक क्षेत्र प्रबंधक SK नायगर जी जो रामपुर डिपो में है अभी 4 जून को कार्य संभाला है, उनकी उदंडता इस प्रकार कर्मचारियों के प्रति है कि उन्हें कर्मचारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार है। इतने लंबे समय से इस क्षेत्र में हमने अपने सहायक क्षेत्र प्रबंधकों के बीच में कार्य किया है, हमारे लोगों ने कार्य किया है, कभी भी ऐसा कोई इस प्रकार का अधिकारी हमने आज तक नहीं देखा जिसने कि आके कभी भी डिपो के बारे में ये ना सोचा हो कि मेरा डिपो उन्नति की तरफ कैसे जाए। हर सहायक क्षेत्र प्रबंधक की इच्छा होती है, वो चाहता है कि मेरे डिपो के प्रतिफल अन्य डिपो की अपेक्षा ऊपर हो, पर सहायक क्षेत्र प्रबंधक की ये सोच बिल्कुल नहीं, वो निगम विरोधी कर्मचारी विरोधी निरंतर कार्य कर रहे हैं और उन्हें कर्मचारी समाज रामपुर डिपो का किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार, यहाँ तक कि उनके खिलाफ 4 जून को ज्वाइन करने के बाद लगभग 8-10 दिन बाद ही परिषद को नोटिस देना पड़ा। उनके क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए वार्ता हुई, वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला और ट्रेनिंग पर जाने के बाद उनकी उदंडता कर्मचारियों के प्रति बढ़ती चली। कभी भी वो कार्यशाला में जाके किसी गाड़ी के बारे में ये नहीं पूछते हैं कि इस गाड़ी में क्या कार होना है, क्या सामान आना है, क्या किस जगह लगा कर किसको काम लेना है, उन्हें सिर्फ उनके अंदर घमंड है कि मैं असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर हूँ, मैं सीधा आया हूँ और ये कर्मचारी कर्मचारी होता है और बिना कर्मचारी के रोडवेज चलाना संभव नहीं है, अधिकारी मैनेजमेंट चलाता है, ये बात हकीकत है, उसके दिशा निर्देश में कार्य करते हैं और जब दिशा निर्देश ही दिशा ही बिगड़ जाए किसी कार्य की तो वो कार्य संभव नहीं है। तो रामपुर डिपो के साथ ही आंदोलनरत हैं और 4 दिन से निरंतर धरने पर हैं, आज 4th दिन धरने का चल रहा है और साथियों ने लगभग संयम रखते हुए वहाँ के साथियों ने अब तक संचालन में कहीं भी
पूरा सहयोग देकर धरने में प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया और उसके बाद भी संचालन चलने दिया क्योंकि निगम हित को सर्वोपरि रखते हुए संचालन अब तक चलता रहा। आज संज्ञान में मेरी आया है कि रामपुर डिपो का संचालन शायद अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और कर्मचारी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है, कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है, उसको लेकर हमारे क्षेत्रीय मंत्री ने आज बैठक बुलाई है। कल सेवा प्रबंधक साथ क्षेत्र प्रबंधक मुरादाबाद और एस के नागर को मध्यस्थता में क्षेत्र प्रबंधक महोदय ने वार्ता आहूत कराने के लिए पत्र दिया है। क्षेत्र प्रबंधक महोदय से निरंतर हमारी शाखा के पदाधिकारी अनुरोध करते रहे कि साथ क्षेत्र प्रबंधक से किसी भी स्तर पर हम वार्ता नहीं की जा सकती, कि वार्ता उसी अधिकारी से की जा सकती है कि जो बातों को समझ सके और उनका निदान कर सके, क्योंकि जो आदमी को कोई समझ और बूझ ही ना हो, कोई जानकारी ना हो, तो उससे क्या वार्ता की जा सकती है। वो अनभिज्ञ आदमी है, पता नहीं सेंटिमेंटल आदमी है, क्या क्या उन्हें उपलब्धि दे दी जाए, ऐसा असिस्टेंट रीजनल मैनेजर हमने अभी तक नहीं देखा है। वार्ता क्षेत्र प्रबंधक ने भी हस्तक्षेप किया पर उनके अंदर कोई भी सुधार नहीं आया, वो अपनी मनमर्जी के तहत कार्य कर रहे हैं। और अब 3 या 4 दिन से लगातार 2 दिन तो लखनऊ में गए हुए मीटिंग, कल भी उनके डिपो में धरना प्रदर्शन जारी था, आज भी जानकारी में आकर डिपो में नहीं है। कर्मचारी में काफ़ी आक्रोश है और उस आक्रोश को, क्योंकि वो हमारी एक ब्रांच है, हमारी मुरादाबाद मंडल की एक शाखा है, अगर उस पर कहीं विपत्ति है, उनके द्वारा अपनी अन्य शाखाओं से मुरादाबाद क्षेत्र की शाखाओं से सहयोग मांगा गया है, उस सहयोग हेतु हमारे आज क्षेत्रीय मंत्री जी की हमने बैठक बुलाई गई है। इसमें समस्त साथियों के विचार लिए जाएंगे और विचार लेने के बाद उनके सहयोग में कब से आंदोलन शुरू किया जाएगा मुरादाबाद क्षेत्र में, ये इसके बाद तय होगा। पर ये सत्य है कि एस के नागर साहब क्षेत्र प्रबंधक जी को किसी भी कीमत में रामपुर डिपो के साथ साथ मुरादाबाद क्षेत्र का भी कर्मचारी स्वीकार नहीं करेगा। इसी में ही कर्मचारी का हित है, निगम हित है कि तत्काल जिला प्रशासन और शासन तत्काल निर्णय ले और ऐसे उदंड साहब क्षेत्र प्रबंधक को तत्काल मुरादाबाद क्षेत्र के डिपो से हटाकर शांति का वातावरण उत्पन्न करे, जिससे कि उद्योग में अशांति ना हो सके और रामपुर डिपो के रिजल्ट जो लगभग 5 सालों से मुरादाबाद क्षेत्र के मंडल में सबसे ऊपर चल रहे थे वो नंबर स्थान पर आ सकें। आज रामपुर डिपो की दशा सबसे दयनीय है, वहाँ का कर्मचारी ना किलोमीटर कुक कर पा रहा, ना अपना वेतन ले पा रहा, दुखी है, त्रस्त है। तो बात मेरा आपसे जिला प्रशासन और निगम प्रशासन और अपने क्षेत्र प्रबंधक के यहाँ से लोकल बॉडी के साथ साथ लघु प्रांत की बॉडी से भी अनुरोध है कि वो समय रहते इसका निदान करें, अन्यथा आंदोलन विवश होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिससे कि मुरादाबाद क्षेत्र की जनता भी को भी परेशानी का झेलना सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं समय रहते यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यहाँ के निगम प्रबंधन के साथ साथ उच्च प्रबंधन से पुनः अनुरोध करूँगा कि तत्काल एस के नागर को रामपुर डिपो से हटाया जाए और शांति का वातावरण पैदा किया जाए। इसमें मुख्य रूप से जयवीर सिंह, एसपी सिंह, नरेश कुमार राजपूत, रागनी सक्सेना आदि ने अपना संबोधन दिया। बैठक की अध्यक्षता श्री भानचंद सिंह द्वारा की गई।